जग प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा के लिए ही मंदिर एवं आसपास के क्षेत्र में भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कॉरिडोर निर्माण की योजना का जहां मंदिर के सेवायत गोस्वामी एवं क्षेत्रीय निवासी व व्यापारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है, वहीं सरकार के कॉरिडोर निर्माण की योजना को श्रद्धालुओं के हित में बताते हुए नगर के साधु संत इसके समर्थन में आ गए हैं। शनिवार को संत समाज द्वारा परिक्रमा मार्ग स्थित टटिया स्थान के समीप सिटी मजिस्ट्रेट सौरभ दुबे, अपर नगर आयुक्त क्रांति शेखर सिंह, विप्रा के सचिव राजेश कुमार सिंह एवं लेखपाल अश्वनी पांडे से मुलाकात कर प्रस्तावित कॉरिडोर का समर्थन किया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम एक संबोधित ज्ञापन भी सौंपा और कहा गया कि ठाकुर बांके बिहारी मंदिर परिसर समेत आसपास का क्षेत्र संकरा होने के कारण दर्शनार्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा की दृष्टि से सरकार द्वारा लिया गया कॉरिडोर निर्माण का फैसला सराहनीय है। साथ ही कहा गया कि कॉरिडोर का निर्माण सनातन संस्कृति के आधार पर हो और मंदिर के सेवायत को स्वामियों, क्षेत्रीय निवासियों एवं व्यापारियों का विशेष ध्यान रखा जाए। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट सौरभ दुबे ने कहा कि संत समाज द्वारा दिए गए ज्ञापन को मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया जाएगा, साथ ही संत समाज द्वारा ज्ञापन में रखी गई मांगों को भी, जिसका दुकान है उसको भी, यदि पीछे 12x12 का दुकान है, 10x10 का दुकान, बाहर वाले को दुकान को नहीं बुला करके यहाँ के दुकानदारों को दुकान दिया जाए, जिसका जमीन है उसको उचित मुआवजा दिया जाए, जैसे काशी में दिया गया वैसे यहाँ भी उचित मुआवजा दिया जाए, कि बुलवासियों का दुखी दुकानदारों का दुख नहीं हो। और जो भाई मुख्यमंत्री को कोई बहुत देख आप शब्द कहते हैं, गलत कहते हैं, चाहे सहलिया कांत जी अपने मन से नहीं बना रहे, उनको भी दोष देते हैं, और चाहे नगर निगम हो, चाहे हमारे ये क्या नाम है, ये हमारे क्या भी नाम है, कांत शेखर जी हैं, ये लोग कर रहे हैं अपने मन से नहीं कर रहे हैं, ऊपर से ऑर्डर है उसके ऑर्डर के अनुसार काम करें, इनको कोई बदनाम करना गलत है, इनको गाली गलौज करना, जगह मीटिंग में गाली गलौज करते हैं, सहलिया कांत कोई बकौती नहीं, वो तो ऑर्डर से आया है उसके अनुसार, चाहे नागेंद्र प्रताप हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जो कर रहा है, केंद्र सरकार की ऑर्डर से ये हो रहा है, कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा है। महाराज जी, आपने जो ज्ञापन दिया है उसमें कुल कितनी मांगे हैं और क्या मांगे हैं? हमारे तो मुख्य यही मांग है, जो कॉरिडोर बनना चाहिए, जो गोस्वामी हैं उनको उचित मुआवजा देना चाहिए, दुकानदारों को उचित मुआवजा देना चाहिए, जिसका दुकान है उसको उचित ढंग से दुकान, बाहर के दुकानदारों को मत बुलाएं, यहाँ के पंडा समाज को भी देखा जाए, ब्राह्मण समाज को देखा जाए, और जैसे दिया जाता है मौलवी को पेंशन दिया जाता है, पैसा दिया तो हमारी पुरोहित समाज को ब्राह्मण समाज देना चाहिए वृंदावन में। एक मुख्यमंत्री ऐसी मांग करता हूँ, जो हमारे साधु समाज को देखें, पंडा समाज को, ब्राह्मण समाज को उचित उनका व्यवस्था करें, पंडा समाज को देखते, ब्राह्मण समाज बलवास को देखते तो उचित उनका मुआवजा मिलना चाहिए। अभी ना कॉरिडोर बनेगा, इससे जनता से भी प्रार्थना, आप लोग पत्रकार इसका विरोध नहीं करना चाहिए, इससे आपका वृंदावन का विकास कर रहा है, मुख्यमंत्री पूरे ब्रजमंडल का विकास कर रहे हैं, ये आप धीरे धीरे देखिए, कुंभ का नाम, कुंभ ने आपको सुवृत्त किया, अभी भी कुंभ का घेराव किया, सुरक्षा कर रहे हैं, पूरे 84 कोस में उन्हें पड़ाव 30 पड़ाव बना रहे हैं, पानी की व्यवस्था करें, पूरा ब्रजमंडल के मुख्यमंत्री व्यवस्था, जो जो हम लोग मांग किया है साधु समाज के लिए, वृंदावन उत्थान के लिए, तन मन धन से लगे, इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को उनके सहयोग में हमारे ब्रजमंडल के जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों से भी, चाहे विकास प्राधिकरण चाहे नगर निगम हो, उनको खूब धन्यवाद देता हूँ, वो बेचारे तन मन धन से लगे हैं, इस इन सभी अधिकारियों को शुभकामनाएं, इनका जीवन स्वस्थ रहे, मस्त रहे, राष्ट्र के समाज की सेवा में जितने अधिकारी हैं लगे उनका मैं शुभ। ज्ञापन दिया गया है साधु संतों के द्वारा, क्या मांगे हैं? आज वृंदावन की पावन भूमि पर माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित, यहाँ वृंदावन के एक बहुत बड़े साधु समाज ने जो है हम लोग ज्ञापन दिया है, महाराज हैं हमारे और साधु संत हैं, इनके द्वारा जो वहाँ के बिहारी जो कॉरिडोर प्रस्तावित है उसके समर्थन में इन्होंने जो है साधुवाद दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, साथ में भी कुछ बातें भी रखी हैं इन्होंने कि ताकि जो है वृंदावन के जो हमारे व्यापारी हैं उनका भी हित प्रभावित ना हो।